तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो आज हम पढ़ने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में, और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा जैसे कि हार्डवेयर के बारे में। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर के टाइप्स को हम इसमें पढ़ेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर के टाइप को हम इस वीडियो में जान रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से एंड तक। तो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए जो मेरी स्क्रीन पे आपको सब दिख रहे हैं, ये सब सारे सॉफ्टवेयर है। ये VSLR मीडिया प्लेयर, ये भी सॉफ्टवेयर है हमारा। टर्बो C++, ओपेरा, क्रोम ब्राउज़र, ये सब एक तरह के सॉफ्टवेयर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इनको छू तो नहीं सकता। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं छू सकते? अगर मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को छूने जाऊंगा तो मैं सॉफ्टवेयर को नहीं छू रहा हूँ जिस भी स्क्रीन पे, जैसे कि आप ये मेरे डेस्कटॉप पर देख रहे हैं, ये मेरी LED स्क्रीन है। तो इस LED स्क्रीन को टच करूँगा, ना कि मैं किसी सॉफ्टवेयर को। जैसे कि मान लीजिए आप बोलते हैं कि टर्बो C++ को मैं छू सकता हूँ, तो कैसे छू सकता है भाई? मतलब आप टर्बो C++ को छूने जाएंगे तो वो तो स्क्रीन को छू रहे हैं, आप टर्बो C++ को नहीं छू रहे हो। तो सॉफ्टवेयर वही होता है जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर का यूज़ हम बहुत सी जगह कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली हर ही जगह कर रहे हैं। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन भी चलाते हो तो उसमें भी एक सॉफ्टवेयर का यूज़ ही कर रहे हैं। जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन आपको मैं साइड में दिखा ही रहा हूँ, जैसे कि तो ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको मोबाइल की स्क्रीन भी दिखा दी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाट्सअप। तो ये व्हाट्सअप एक तरह का मेरा क्या है? सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर डेस्कटॉप, आप हर जगह सॉफ्टवेयर का एक तरह से यूज़ कर रहे हैं। आपको जितने भी मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर ये सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, ये सारे ही सॉफ्टवेयर है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अब बहुत से लोग तो बोलेंगे हम तो मोबाइल का यूज़ ही नहीं करते। तो भाई साहब, आप मोबाइल का यूज़ नहीं करते हो तो ATM का यूज़ तो किया होगा आपने, जैसे कि आप ये साइड में देख रहे हैं। तो ATM, जैसे ही आप ATM में लगाते हैं तो ये सब आपको दिख जाते हैं, ट्रांजेक्शन, विड्रॉल वगैरह। तो ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसके कारण ही हमारा ATM भी रन कर रहा है, जिस पे ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। हम नॉर्मली जो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कहीं पे भी हिंदी में, तो उस सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की बात बात कर सकते हैं। ये तो हमने समझ लिया, बाकी एग्ज़ाम में ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं हम कि ये सॉफ्टवेयर है इसको हम छू नहीं सकते, ये वो सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा नहीं लिख सकते। तो ठीक है, लिख दे हम मैं आपको थोड़ी डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बोल के बता देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर निर्देशों का वह प्रोग्राम होता है जो, मतलब सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए निर्देश देता है, वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। आप इतना भी लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, ऑल राइट फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो चलिए अब हमारी PPT खोल लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, मैंने कर लिया है ओपन अपना PPT। तो मेरा PPT मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि मैंने समझा ही दिया है आपको सॉफ्टवेयर होता क्या है, और उसकी डेफिनेशन भी आपको मैंने बता ही दी है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के टाइप दो टाइप के होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं हमारा सॉफ्टवेयर। तो पहला हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा? ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, और
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच काम करते हैं, मतलब जो भी हार्डवेयर को पूरा कंट्रोल करने का काम करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा पूरा हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। मतलब आपके पीसी में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कुछ भी इसमें नहीं चला सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे प्रकार के होते हैं, 7, 8, 10, अब तो 11 भी आ चुका है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये भी आप देख रहे हैं जैसे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से रहते हैं बहुत सारे डिवाइस, ड्राइवर वगैरह भी आप जो डालते हैं वो भी अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। फर्मवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर वगैरह ये जो भी रहते हैं ये सब एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो यूज़र को किसी खास काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको समझ लीजिए कोई भी टेक्स्चुअल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का यूज़ करते हैं हम, और डाटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए डाटाबेस प्रोग्राम का करते हैं, और वीडियो ऑडियो चलाने के लिए हम मीडिया प्लेयर का भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसी के तरह अलग अलग टास्कों को पूरा करने के लिए हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आपको कोई चैटिंग वगैरह करनी है फ़ोन में या और कहीं पर भी, तो आप क्या करते हैं अपना व्हाट्सअप या फेसबुक इंस्टाग्राम इनके द्वारा चैटिंग वगैरह कर लेते हैं। आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख लें, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है वो सीधे यूज़र से जुड़ा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के टाइप आपको बेसिकली अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, और आपने अगर हार्डवेयर वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा।